Class 12, Subject History, Chapter 2, King, Farmers and Towns. Today we are going to start from the second para from C6th century BCE. But first, I'm going to tell you the full form of BCE, which is before the Common Era. Please note down, I'm going to tell you some full forms like BC. The full form of BC is before Christ, CE, Common Era, BCE before the Common Era, AD, Anno Domini. Please note down this and your copies. Okay. Now, from C6th century BCE, there is evidence that there were other trends as well. Here we are talking about the 6th century. यहाँ पर किस वक्त की बात हो रही है? 6th century की बात हो रही है. 6th century में क्या हुआ था? 6th century में हमें we found so many changes, new changes. बहुत सारे नए चेंजेस हुए, उनके हमें एविडेंस मिले. परहैप्स द मोस्ट विजिबल वर द एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एम्पायर्स एंड किंगडम्स. जो सबसे ज़्यादा आए सामने वो क्या क्या थे आपके? अर्ली स्टेट्स एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इनका डेवलपमेंट हुआ. अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर अदर चेंजेस एविडेंट इन द वेज इन विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड. जितने भी आपके ये पॉलिटिकल प्रोसेस थे, इनके पीछे क्या था? इनके पीछे बहुत सारे अदर चेंजेस थे. इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस के पीछे कुछ चेंजेस भी थे. इनका पता हमको कैसे लगता है? थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ओके. साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. साइमल्टेनियसली मीन्स सिमिलरली. इसी के साथ साथ क्या होता है? जो आपके सब कॉन्टिनेंट हैं वहां पर हमें क्या मिले? न्यू टाउन्स. ठीक है, जो आपके सब कॉन्टिनेंट्स थे वहां पे नए नए टाउन्स मिले. हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट बाय ड्रॉइंग अ रेंज ऑफ सोर्सेस, इंक्रिप्शन, टेक्स, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स. अब आपके जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अटेम्प्ट किया क्या समझने का, इन डेवलपमेंट्स को समझने का, बाय ड्रॉइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेस, इंक्रिप्शन, टेक्स, कॉइन्स, विजुअल मटेरियल्स. जो भी आपके इंक्रिप्शन थे, कॉइन्स थे, टेक्स थे, इन सोर्स का उन्होंने क्या किया? स्टडी किया. ठीक है, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे उनको समझने के लिए उन्होंने इन सोर्सेस का, सोर्सेस क्या है यहाँ आपके? इंक्रिप्शन, टेक्स, कॉइन्स, विजुअल मटेरियल्स, इन सोर्सेस का हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया? स्टडी किया. एज वी विल सी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. You will also notice that these sources do not tell the entire story. यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, आप भी ये notice कर सकते हैं कि ये जो आपके sources हैं इनसे आपको पूरी कहानी का पता नहीं समझ में आता. मतलब आप नहीं समझ सकते, जितने भी चीज़ें मिल रही हैं ऐसा लग रहा है कि अभी और डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं. तो इतने sources से आप इतनी स्टोरी का, पूरी स्टोरी का पता नहीं कर पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन. सो फ्रॉम दिस वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द होल स्टोरी because we found so many changes, so many developments here. So it becomes very complex situation or process. Okay, let's have a look on our next para, Princip and Piyadasi. Some of the most momentous developments in India epigraphy took place in 1830s. Here we are talking about the time 1830s, in which what we found? Momentous development in Indian epigraphy, yani 1830 में Indian epigraphy में हमें बहुत momentous development देखने को मिला, यानी कि बहुत important development मिले. This was when James Princip, here we see a name, James Princip. Who is James Princip? An officer in the mint of East India Company. ये कौन थे? Officer थे East India Company के. Deciphered Brahmi and Kharoshthi, two scripts used in the earliest encryptions and coins. इनको क्या मिला? दो scripts मिले, Brahmi और Kharoshthi. तो इन्हें ये दोनों scripts मिले.
डॉलर सब्सक्रिप्शंस एंड कॉइंस, किस आप कह सकते हो इनक्रिप्शंस और कॉइंस के. ओके सो हियर आई थिंक आई शुड स्टॉप अबाउट पीएलसी. विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.